आज यहाँ पर हर साल की तरह गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन का गुरु पर्व का जो महापर्व कीर्तन यहाँ पर होता है, ये कोपरखाना गुरुद्वारा से स्टार्ट होकर ये पूरा कीर्तन जो गुरु पर्व के उपलक्ष्य में किया जाता है ये राष्ट्रीय गुरुद्वारा तक जाता है। उसमें सभी गुरु संगत के लोग शामिल होते हैं, फिर सिख के धर्मों के ही लोग भी, तो यहाँ पर हर धर्म के लोगों का इस गुरु पर्व कीर्तन महोत्सव में सहभाग होता है। उद्देश्य एक ही है कि जिन गुरुओं के उद्देश्य, जिन गुरुओं की कुर्बानी से, जिन गुरुओं के आशीर्वाद से आज यह संसार में हर एक को सुखी मिलने, सुख है, समृद्धि है, और जो हमें एक संस्कृति और धर्म का जतन करने का जो जरिया मिला है, इसके लिए सबसे बड़े तो हम कितना भी गुरुओं के ऋणी है, ऋणी हमेशा रहेंगे। मैं उन्हें नतमस्तक होकर उनको नमस्कार करता हूँ और मैं शुभेच्छा देता हूँ कि इसी प्रकार से हर धर्म में ये परिवर्तन हो कि लोगों में भाईचारा रहे, एक प्रेम भाव रहे और सभी को साथ में लेकर चलने की ताकत ईश्वर हमेशा गुरु गोविंद सिंह जी उनको हमेशा देते रहे, ऐसी आशा करता हूँ। इसमें सबसे बड़ी तो आप देख सकते हो कि जो कीर्तन निकलता है उसमें हर धर्म के लोग सहभागी होते हैं, तो इसमें कोई धर्म भेदभाव नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सभी धर्म के लोग एक साथ रहकर, जो उनका उद्देश्य था, जो हर गुरु ने उद्देश्य दिया था कि सभी में प्रेम भाव रहे, मिलन रहे, और इसी प्रकार से हमारे शहर के, हमारे राज्य के, हमारे देश की प्रगति होगी, जो हम सब मिलकर एक बायस पर आकर काम करेंगे, वही इसकी सबसे बड़ी खासियत है।